गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब। द करंट अफेयर शो में मैं योगेश अग्रवाल आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चे, ये हमारा 5 मिनट शो है जिसमें हम देखते हैं देश विदेश की महत्वपूर्ण घटनाएं जो कि हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। बच्चे, मैं एक बार फिर से आपको बताऊंगा, जो बच्चे नए हैं, इसमें सिर्फ वही न्यूज़ कवर होती हैं जो आपके एग्जाम से रिलेटेड हैं। एग्जाम से बाहर अगर कोई चीज़ आपको लगता है मुझे कि वो सिनेरियो में नहीं एग्जाम में पूछ सकता, वो बहुत दूर की न्यूज़ है, वो मैं यहाँ कवर नहीं करता हूँ। ठीक है बच्चे, ये जो करंट अफेयर शो हम देखते हैं इसके अंदर ये आपके SSC बैंक के लिए द मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आप जैसा कि जानते हैं करंट अफेयर्स का पोर्शन आपका SSC के अंदर भी कम से कम 20 मार्क्स का आने लगा है, और बैंक के अंदर तो आप खुद जानते हैं कि वो कम से कम 50% जितने भी मार्क्स का पेपर होगा GA का, उसके अंदर 50% आपका करंट अफेयर्स ही आता है, तो ये इंपॉर्टेंट पोर्शन हमारे लिए बन जाता है। उसके अलावा जितने भी इंटरव्यूज होते हैं उसके अंदर भी करंट इश्यूज पूछे जाते हैं, उनके बारे में डीप नॉलेज आपको होनी चाहिए। बच्चे, ये 5 मिनट शो है, आज का वीडियो थोड़ा सा लंबा जाएगा क्योंकि इसमें कुछ इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी जिनको हम छोड़ नहीं सकते, तो 1 या 2 मिनट आपका एक्स्ट्रा रहेगा, बट आपको इन्फॉर्मेशन सारी मिलेगी, इस चीज़ की मेरी गारंटी है। आपको बता देता हूँ कि जो ब्लैक इंक में इन्फॉर्मेशन होगी वो आपके एग्जाम से रिलेटेड होगी, और जो रेड इंक में इन्फॉर्मेशन होगी वो आपको जनरल इन्फॉर्मेशन होगी, जो कि आपको जानना जरूरी है क्योंकि आपके इंटरव्यू में उससे रिलेटेड भी चीज़ें पूछी जा सकती हैं। क्लियर है बच्चे, स्टार्ट करें। आज की पहली न्यूज़ देखते हैं, आरोग्य सेतु जो है वो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर बना दिया है। इसका मतलब ये है कि जो इसकी कोडिंग की गई है, जो इसको कोड इसका लिखा जाता है, बच्चे ये सॉफ्टवेयर में क्या होता है, कोई भी सॉफ्टवेयर बनाने के लिए उसकी कोडिंग की जाती है, उसका सूत्र या उसका फॉर्मूला लिखा जाता है, खूब सारी लाइन्स होती हैं जिसके बेसिस पे वो आपकी एप्लीकेशन बनती है, तो इसको अब क्या ओपन सोर्स कर दिया गया है और ये GitHub पे अवेलेबल हो गई है। इसके अंदर इसका मतलब क्या है कि अब इसको कोई भी इसके सोर्स को देख सकता है। ये बच्चों एप्लीकेशन जो है वो 12 लैंग्वेजेस में एंड्रॉयड, iOS और KIOS प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल है, जिसके अंदर आप ये देखेंगे कि 98% जो यूजर्स हैं वो सारे के सारे आपके एंड्रॉयड यूजर्स हैं। इसके बाद में आपको एक लिंक मैंने बता रखी है, यहाँ पे जो लिंक दे रखी है इसके ऊपर ये अवेलेबल हो जाएगी 12 बजे से। और इसके ऊपर एक चीज और मिनिस्ट्री ने इन्फॉर्म की है कि जो इसके अंदर बग ढूंढेगा तो उसको 1,00,000 रुपए तक प्राइज मिलेगा। तो इसके अंदर क्या है कि ओपन सोर्स का एक मतलब, मेन मतलब क्या होता है कि इसके अंदर आप अपने रिव्यूज और अपने इनपुट्स भी इसमें आप दे सकते हो कि किस तरह से इसके अंदर और कोडिंग में चेंज करके आप कैसे उसको प्राइवेसी सिक्योरिटी वगैरह आप एनहांस कर सकते हो। आगे देखते हैं बच्चे, नेक्स्ट न्यूज हमारे पास आती है, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, इसके अंतर्गत 20,000 करोड़ रुपए नेक्स्ट 5 ईयर्स के अंदर ये इन्वेस्ट करने वाले हैं, और 220,00,000 मीट्रिक टन जो है वो प्रोडक्शन करने की इनको इन्होंने एक उम्मीद जताई है, या ऐसा इन्होंने टारगेट रखा है। बच्चे, इकोनॉमिक रेवोल्यूशन थ्रू ब्लू रेवोल्यूशन, ठीक है, मतलब क्या हुआ, जो आपका मत्स्य संपदा है या फिशरी जो है, जैसे आप बोलते हैं ना फिशरी, ठीक है, तो इसको आप मेन ऑब्जेक्टिव लेके इकोनॉमिक रेवोल्यूशन की तरफ जाने वाले हैं। और इसके अंदर जो गिरिराज सिंह जी हैं फिशरी मिनिस्टर, इन्होंने बोला है कि पहली बार जो इनका जो इंश्योरेंस है वो दिया जाएगा, और उसके अलावा 3477 सागर मित्र जो हैं वो कोस्टल फिशरी विलेजेस में एस्टैब्लिश होंगे और उनका रजिस्ट्रेशन होगा, और इससे उनको क्या होगा, एनकरेज मिलेगा। नेक्स्ट आता है PFC और सेंट्रल PSU जो है उसने क्या किया है, NBPCL, ठीक है, इसके साथ में एक प्रोजेक्ट साइन किया है जिसके अंदर वो क्या करेंगे, 22,000 करोड़ का ये प्रोजेक्ट है, और 225 मेगावाट का हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो है वो यहाँ पे इंस्टॉल करेंगे MP में, मध्य प्रदेश के अंदर। अगली न्यूज आती है CSIR और IIIM, ठीक है, इन्होंने RIL रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड के साथ में आरटी लैंप जो है उससे बेस्ड एक टेस्ट किट या टेस्ट करने के एक किट बनाया है जो कि कोरोना वायरस के टेस्ट के अंदर काम में आता है। बच्चे, ये रैपिड टेस्ट किट है, इसका मतलब ये 45 टू 60 मिनट में एक टेस्ट कंप्लीट कर लेता है, और इसमें जो कॉम्पोनेंट यूज हो रहे हैं वो बच्चे इतने सस्ते हैं और इतने इफेक्टिव हैं, और एक चीज और कि वो हमारे इंडिया में भी मिलते हैं और इंडिया में प्रोडक्शन भी उनका हो सकता है, तो ये मेक इन इंडिया का कंसेप्ट पे भी वर्क करने वाला है। अगला आप न्यूज़ देखते हैं हमारी, गडकरी ने क्या किया है, एक चंबा टनल जो है इसके अंदर एक प्रोजेक्ट था जो चारधाम परियोजना के अंदर अंतर्गत आता था, तो इसमें एक टनल जो है उन्होंने बनाई है, उसको इनॉग्रेशन इन्होंने किया है, और ये 3 महीने शेड्यूल से पहले पूरा हो जाएगा, अक्टूबर 2020 के अंदर, ठीक है। इसके अंदर आप समझिए कि जो आपका ट्रैवल टाइम है वो कम से कम 40 से 50 मिनट कम हो जाएगा, और डिस्टेंस 1 किलोमीटर कम हो जाएगी। आगे देखते हैं, ये न्यूज़ हम कवर कर चुके हैं। इसके बाद में मिलियन ऑफ ई सिगरेट यूजर्स हैं, इन्होंने क्या किया है, वर्ल्ड वेप डे मनाने की बात कही है May 30 को, ठीक है। आगे न्यूज़ देखते हैं, इंडिया का GDP ग्रो जो है 1.2% जो है फोर्थ क्वार्टर जो फिस्कल ईयर 2020 जो खत्म हो चुका है उसके अंदर
देखा गया है SBI की ऐसी रिपोर्ट आई है। फिर एक देश है कोस्टा रिका, ठीक है, ये पहला ऐसा सेंट्रल अमेरिकन कंट्री बन गया है जिन्होंने सेम सेक्स मैरिजेस को अलाउ किया है। अगला देखते हैं एस्टन मार्टिन, एक बहुत बड़ी कंपनी है, कार्स की कंपनी है, इसके CEO थे एंडी पामर, ठीक है, इनको स्टेप डाउन करवा दिया है, मतलब इनको हटा दिया है। किस लिए? बोर्ड ने इसलिए हटा दिया क्योंकि इनका जो शेयर प्राइस था एस्टन मार्टिन का वो 98% इनके कार्यकाल में गिर गया है। तो अब जो मर्सिडीज के CEO हैं AMG टोबायस मोर्स, तो इनको अब नया CEO बनाया जाएगा जो 1 अगस्त को चार्ज लेंगे। आगे देखते हैं, सबसे पहले ओपन ट्रांसजेंडर वुमेन जो है उनको मेयर इलेक्ट किया गया है फ्रांस के अंदर, जिनका नाम है मैरी काओ। नेक्स्ट न्यूज देखते हैं, जो फॉर्मर SC सुप्रीम कोर्ट के जो जस्टिस थे AK शिकरी, इन्होंने इनोग्रेट किया है इंडियन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन सेंटर, जिसका हेडक्वार्टर जो होगा वो दिल्ली में होगा। बच्चे क्वेश्चन पूछेंगे इंडियन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन सेंटर जो रिसेंटली बना है उसका हेडक्वार्टर कहाँ है, वो दिल्ली है। उसको किसने इंट्रोड्यूस किया, किसने इनोग्रेट किया? AK सिकरी, जो फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज थे। अब ये जो है ये पेपरलेस डिस्प्यूट रेजोल्यूशन है, इसका मतलब ये सारा जो प्रोसेस है वो ऑनलाइन होगा और एक एप्लीकेशन के ऊपर होगा, जिसके अंदर टर्म्स नहीं है, ई आर्बिट्रेशन, ई मेडिटेशन, ई कंसाइलेशन। क्लियर है बच्चे? आगे देखते हैं, एक्स चीफ जस्टिस विश्वनाथ रतनम, ठीक है, हिमाचल प्रदेश के हाईकोर्ट के ये चीफ जस्टिस थे, इनका हाल ही में निधन हो गया है। तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। इंडिया और इसराइल जो है ये COVID-19 की रैपिड टेस्टिंग किट जो है वो डेवलप करने के लिए बात कर रहे हैं। इंडियन अमेरिका साइंटिस्ट है राजीव जोशी, राजीव जोशी जो है उन्होंने क्या किया है, इन्वेंटर ऑफ द ईयर का अवार्ड अचीव किया है। किस लिए? पायनियरिंग वर्क इन एडवांसिंग द इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री एंड इंप्रूविंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैपेबिलिटीज। ये बहुत ही बड़े साइंटिस्ट हैं, 250 पेटेंट्स इन्होंने अपने इन्वेंशंस के करवा रखे हैं। आगे देखेंगे, मोंटेग्रो जो है वो यूरोप का पहला ऐसा कंट्री बना है जो कोरोना वायरस फ्री कंट्री बोला है। इसके PM है डस्को मार्कोविक। कि अपने जो अभी आपको पता ऑयल प्राइसेस बहुत कम चल गए, तो $35 पर बैरल का जो प्राइस है उसके ऊपर ये प्लान कर रही है US के अंदर रिजर्व्स अपना रिजर्व करने के लिए, ताकि वो कच्चा तेल जो है वो सस्ते में खरीद के US के अंदर रिजर्व कर सके। ये चीज वहां देख रही है क्योंकि हमारी जो कैपेसिटी वो पूरी फुल हो चुकी है। इसके बाद में एक न्यूज आती है, एक महंत थे, एक मुनि हुए जिनका नाम है योगी प्रहलाद जानी, ठीक है, जिनको उन्होंने क्लेम किया था कि वो विदाउट फूड और वाटर रह रहे थे 70 ईयर से। साइंटिस्ट ने भी इनके ऊपर रिसर्च किया और इनसे ये पता चला, उन्होंने भी चेकअप किया, उन्होंने प्रूफ किया कि ये कुछ सालों से ना तो कुछ खा रहे हैं ना कुछ पी रहे हैं, और ये सिर्फ पानी के टच में सिर्फ दो ही समय आते थे, जब वो गार्गल करते थे और जब वो शार लेते थे, ठीक है। इनकी डेथ जो है वो 90 ईयर्स के अंदर गुजरात के अंदर हो गई है। बच्चे इसके बाद में आया कि प्रोटोटाइप सैंपल किट जो PPE कवरल्स हैं, इसके लिए हमारी 9 टेस्टिंग लेबोरेटरीज हैं, यह मैंने आपको बता दिया है। जो भी प्रोक्योरमेंट होगा, जो भी इंपोर्ट होगा बाहर के देशों से, तो उनको टेस्ट करवाना बहुत जरूरी है, ऐसा गवर्नमेंट ने ऑर्डर दिया है। थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही। बच्चे वीडियो अगर आपको अच्छा लगा, आपको इंटरेस्टिंग लगा, आपको पढ़ने में मजा आया, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक भी कर दें और शेयर भी करें अपने दोस्तों के बीच में, ताकि उनको भी इस इंफॉर्मेशन का, इस शो का लाभ मिल सके। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए।